नमस्ते जय आश्यम। मैं रवि ठाकुर, न्यूट्रिशन काउंसलर एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है। अभी कुछ दिनों से एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि पंजलि ग्रुप आरसीएम बिजनेस से हाथ मिला सकती है। अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी इसकी नहीं हुई है। मेरा अनुभव जो कहता है बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ एक अफवाह है। और ये जानने के हम इसके कुछ चीजों के बारे में हम देख लें तो हो सकता है हम सबको क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि वाकई में ये जो मैसेज है क्या वाकई में सही हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे विजन के ऊपर में। तो पंजलि का क्या विजन है ये हमको तो नहीं पता, लेकिन दोस्तों मैं आरसीएम बिजनेस का डायरेक्ट सेलर होने के नाते और कुछ समय से आरसीएम बिजनेस में काम करने के कारण और मेरे घर में जो भी है सारे लोग आरसीएम में इन्वॉल्व होने के कारण मुझे आरसीएम बिजनेस का जो विजन है वो साफ साफ दिखाई देता है। बिजनेस का जो विजन है वो बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, जिंदगी को बदलने वाला सिस्टम है दोस्तों। और आज बहुत सारे लोगों का जिंदगी इससे बदला है। पैसा तो कोई भी इंसान कहीं कमा सकता है, लेकिन इस सिस्टम में जो ताकत है हर एक इंसान को एक दूसरे के साथ प्रेम से जोड़ के रखना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात किया जाए समस्याओं का, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान आज कोई भी सरकार के पास नहीं है दोस्तों। लेकिन आप कोई भी समस्या को उठाकर आप देखें और आरसीएम बिजनेस में उस समस्या का हल खोजने की कोशिश करेंगे तो हर एक समस्या का समाधान आपको आरसीएम बिजनेस में जरूर दिखाई देगा। मैं तहे दिल से श्री टीसी छावड़ा जी को दिल से धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजलि का। तो पंजलि जो है वो सिंगल लेवल मार्केटिंग के ऊपर काम करती है। आज पंजलि का लगभग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर है और जितना भी मुनाफा होता है सीधा पंजलि को जाती है। आरसीएम बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग मेथड के ऊपर काम करती है दोस्तों, और इसमें जो है 60% पैसा वो जितने लोग भी खरीदारी करते हैं जो डायरेक्ट सेलर यहाँ के होते हैं उनके पास जाते हैं। तो इसमें एक सवाल उत्पन्न होता है, क्या पंजलि या कोई भी कंपनी जो खुद सारे मुनाफा को अपने पास ले लेती है क्या वो दूसरों को बांटेगी? क्या दोस्तों लगता है ऐसा? कोई भी कंपनी हो कभी नहीं चाहेगा कि जो लाभ डायरेक्ट उनको मिल रहा हो वो 60% खरीदारों के बीच बांट दे। आगे हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर में। पंजलि के प्रोडक्ट्स के बारे में कोई भी कमेंट्स नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि पंजलि का मैं कोई भी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करता हूं, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा। और अगर हम बात करें आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में कि हमारे आरसीएम बिजनेस में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं 100% शुद्ध एवं स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद होते हैं, साथ ही साथ वैल्यू फॉर मनी होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आरसीएम बिजनेस में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं अचानक कोई प्रोडक्ट नहीं आता है। सबसे पहले हमारे श्री तिलोक चंद्र छावड़ा जी, इनके गुणवत्ता और कीमत के बारे में खुद अपने स्तर पे चेक करवाते हैं। जब उनको लगता है कि वाकई में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ये हेल्थ के लिए बेटर है और दाम में भी कम है, तभी वो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो दोस्तों, इस मामले में आप सबको खुद पता है, बस इतना ही मैं आपसे बात करूंगा। और आप सबको भी पता है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग है या बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो हमारे आरसीएम बिजनेस को बहुत पहले से खत्म करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्लीज ऐसे मैसेज जब आए तो उसको इग्नोर करें, फैलाए नहीं, क्योंकि आप सबको भी पता है क्योंकि कोई भी नेगेटिव चीज बहुत तेजी से वायरल होती है। दोस्तों, ये वीडियो को बहुत सारे लोगों को भेजे ताकि जो वायरल मैसेज आ रहे हैं इसकी जो सच्चाई है वो लोगों तक जरूर जाए। धन्यवाद। जय आरसीएम, जय भारत।